पूरी दुनिया आज कोविड-19 के वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वैक्सीन आने से पहले ही इस कोविड-19 का दूसरा वेरिएंट आ चुका है तो? जी हाँ, ये सच है। यूके के हेल्थ एंड सोशल केयर डिपार्टमेंट ने रिसेंटली ये डिटेक्ट किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी स्ट्रेन 70% ज्यादा रैपिडली स्प्रेड हो रही है। तो आज मैं आपको इस नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। पहले हम ये देखते हैं कि क्या है ये नई स्ट्रेन। कोई भी वायरस जब अपना डीएनए या फिर आरएनए कॉपी करने में गलती करता है तो उस वायरस का एक नया वेरिएंट जनरेट होता है। इस प्रोसेस को वायरस म्यूटेशन भी कहते हैं और ये म्यूटेशन महीने में 4 से 5 बार हो जाता है। तो ऐसे ही कोरोना वायरस के भी कई स्ट्रेन जनरेट हो चुके थे, पर वो ज्यादा हार्मफुल नहीं थे। लेकिन यूके में जो नई कोरोना वायरस स्ट्रेन डिटेक्ट हुई है वो पहले से बहुत डेंजरस है, ऐसे कहा गया है, जिसकी वजह से यूके गवर्नमेंट ने टेम्पररीली सारे फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं। साथ ही बाकी कंट्रीज को भी अलर्ट वार्निंग दी है, क्योंकि ये नया वेरिएंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और इसी वजह से यूके ने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी अनाउंस किया है। इस नए वेरिएंट का नाम है B.1.1.7 और दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ही लंदन में 62% इन्फेक्शन रिपोर्ट हुए थे। ये नई कोरोना वायरस स्ट्रेन यूके और लंदन के साथ ही साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इटली और डेनमार्क में भी आइडेंटिफाई हो चुकी है। बहुत से कंट्रीज ने यूके में जाने वाले फ्लाइट्स बंद कर दिए हैं। तो क्या यह वायरस सच में बहुत डेंजरस और जानलेवा है? अभी तक ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं मिला है कि ये डेडली स्ट्रेन है, लेकिन बहुत फास्टली स्प्रेड होने की वजह से हॉस्पिटल्स और लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जैसे ये वायरस रैपिडली स्प्रेड हो रहा है तो लोगों को फिर से हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ेगी। ये नया वेरिएंट पहले के वेरिएंट से 70% ज्यादा इन्फेक्शियस है, ऐसे कहा गया है, और साथ ही बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल, यानी एक दूसरे में बहुत फास्टली ग्रो हो रहा है। इस वेरिएंट के सिम्टम्स भी कोविड-19 की तरह ही है, जैसे नौशिया, कफिंग, फीवर, एक्स और लॉस ऑफ स्मेल। लेकिन जैसे कि कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो रही है, क्या ये वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर काम करेगा? शायद हाँ, क्योंकि वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को वायरस से लड़ने के लिए ट्रेन कर देती है। तो अगर इस वायरस के म्यूटेशंस भी हुए तो ये वैक्सीन फिर भी हमारे काम आएगी। लेकिन अगर ये म्यूटेशंस यानी कोविड के दूसरे स्ट्रेन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गए तो टेंशन की बात हो सकती है। साइंटिस्ट अभी भी इस वायरस पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं और पता नहीं ये वायरस कितना डेडली हो सकता है। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग इस कोविड सिचुएशन को ही लाइटली ले रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, भीड़ वाली जगहों पर घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, अगर ये नया वेरिएंट हमारे देश में आ गया तो हालत और भी बुरी हो सकती है। तो हमें अभी से ही सतर्क रहना पड़ेगा, सारे प्रिकॉशंस लेकर खुद को सेफ रखना पड़ेगा। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों और आपके खास लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि वो भी सेफ रह सके।